और सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर सुबह सुबह एक्शन मोड में नजर आए। खंडवा और डिंडोरी जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक ली है। इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं, मेरी तरफ से फ्री हैंड है, अपराधियों को ना बख्शा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खंडवा के भ्रष्ट अफसरों की सूची भी कलेक्टर को दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा और डिंडोरी जिले की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, अपराधियों को बख्शा ना जाए, और ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि हमारी तरफ से फ्री हैंड है, अधिकारी अपने स्तर पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करें। तो बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खंडवा के भ्रष्ट अफसरों की सूची भी कलेक्टर को सौंपी है। चलिए इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सीधे रुक करते हैं आकर्ष शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को इस बैठक में दिए गए हैं? जय, करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली है, खंडवा और डिंडोरी को लेकर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करना है, और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी एक सूची बनाइए, उन पर कार्रवाई करिए, मेरी तरफ से मतलब सीएमओ से आपको फ्री हैंड दिए गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीरो टॉलरेंस पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और यही हमें आज की बैठक में देखने को मिला है। दूसरी तरफ उन्होंने कुपोषण को लिए भी कहा है कि युद्ध स्तर पर कार्य करिए, उस पर भी आपको फ्री हैंड सीएमओ की तरफ से है। नवाचार करिए आपके क्षेत्र में, नवाचार करिए आंगनबाड़ियों में, किस तरीके से आप नवाचार कर सकते हैं, आपके जिलों में क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कलेक्टरों से ली, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उनका किस तरीके से क्रियान्वयन चल रहा है, उस पर उन्होंने फीडबैक लिए। साथ में बिजली, बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर उन्होंने तमाम दोनों जिलों के कलेक्टर और एसपीओ से कहा कि 270 आपके दोनों जिलों में 270 बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत मेरे पास आई है सीएम हेल्पलाइन में, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें चेक करवाइए, क्या कुछ उनमें गड़बड़ी है उनको दुरुस्त। उसके बाद उन्होंने यदि बात करें तो करीब 442 लोगों से, हितग्राहियों से, अन्य लोगों से बात करी थी, जिनमें से करीब 441 लोग संतुष्ट नजर आए थे, करीब 10% लोग असंतुष्ट थे, और यही कारण है कि उन चीजों को ही मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में महत्वपूर्ण रूप से रखा भी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, मध्य प्रदेश को प्रगति की तरफ आगे बढ़ाना है, तो जिस तरीके से सरकार की योजना है उनको जमीनी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा, उसी को उन्होंने फीडबैक लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश किए। एक और स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि माफियाओं पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध कब्जे करके प्रदेश भर में रखे हुए हैं, खंडवा और डिंडोरी में जिस तरीके से कब्जे अवैध बनाए हुए हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए, और साथ में जब वो मुक्त हो जाती हैं तो गरीबों को वो भूमि आप आवंटित करिए पीएम आवास योजना के माध्यम से, या फिर गरीबों को वो भूमि दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से तमाम घोषणाएं करते हैं, और जब हम बैठकों में उनको देखते हैं तो बैठकों में भी वो कलेक्टर और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को उसी तरीके के निर्देश भी देते नजर आते हैं, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार प्रगति की तरफ, आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से 16 से 18 घंटे स्वयं काम करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात में 10 से 11 बजे तक काम करते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि उनका अमला, चाहे उनके साथ के जो नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, वो भी इसी तरीके से 16 से 18 घंटे काम करें, और प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इसी तरीके से काम करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश प्रगति की तरफ आगे बढ़े। और यही कारण है कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार एक्शन में देख रहे हैं, और चाहे माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे अन्य चीजों के लिए, मुख्यमंत्री कड़े निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल, और कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इस पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग उनकी ओर से की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आकर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।